हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार स्केल्पिंग स्ट्रेटजी को समझने वाले हैं, जो कि आपको लाइव मार्केट में बहुत ही बढ़िया एक्यूरेट तरीके से काम करती हुई नजर आने वाली है। सबसे बढ़िया इस स्ट्रेटजी की बात यह है कि इसमें आपको कोई भी एडवांस प्राइजेक्शन नहीं लगाना है और ना ही किसी इंडिकेटर का यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये किस तरीके से काम करती है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, खास करके ऑप्शंस की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या रहता है कि ट्रेंड को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ट्रेंड को पकड़ने के लिए आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, सबसे इजी टू यूज़ होने वाला है, और इसके अंदर में आपको कोई भी एडवांस चीज़ें आपको नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो करना क्या होता है, हम लोग यूज़ करने वाले हैं फिब रिट्रेसमेंट का। इसको हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बोल देते हैं, या फिर इसको फिब रिट्रेसमेंट भी बोल देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप हमारे फ्री वाला टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसके अंदर में आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली जो भी लाइव मार्केट का अपडेट होता है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएगा, और जो भी मेरा यहाँ पे अपडेट होगा वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर में आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। सो अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए ट्रेडर्स, जो भी मार्केट हम लोग ट्रेड करते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स का मार्केट हो, मार्केट सेम तरीके से, ठीक है, वेव फॉर्म में ही काम करता है। अब आप अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से लागू होता है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो भी ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या रहता है, वेव बनती है, और ये जो वेव बनती है ये दो तरीके से वेव बनती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक वेव बनी, और जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ए पॉइंट है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये जो वेव बनी है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, ठीक है। जो ट्रेंड को इम्पल्स कर रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव वेव बोल देते हैं। एंड जो मार्केट में करेक्शन करती है, ठीक है, जो प्राइस को ऊपर नीचे यानी कि नीचे लेकर के आती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम लोग बोल देते हैं करेक्टिव फेज, या फिर करेक्शन फेज बोल देते हैं, ठीक है। सो इसका रोल क्या होगा, अब देखो इसका रोल हमें समझना इम्पोर्टेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो मार्केट में जब भी हम लोग एंट्री करते हैं, तो जब भी अगर अप ट्रेंड में अगर आप एंट्री करोगे तो आपको हमेशा करेक्शन फेज जो होती है, ये जो करेक्टिव वेव होती है, इसको ही पकड़ कर एंट्री करना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी इम्पल्सिव वेव में बड़ी बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखती है तो इसमें वो क्या कर देते हैं, अपना एंट्री बना लेते हैं। लेकिन एंट्री बनाने के कुछ सेकेंड ही बाद में मार्केट फिर से नीचे आता है, क्योंकि मार्केट को होता है करेक्शन, तो मार्केट नीचे की तरफ में आता है, और जैसे ही नीचे आता है उन सब का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर वो पैनिक होकर के मार्केट से एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। सो उस वजह से कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो जाता है। सो अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, सही तरीके से ट्रेंड को पकड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो मार्केट के अंदर में एक हो गई इम्पल्स वेव, दूसरी हो गई करेक्टिव वेव। अब आपको अगर ये चीज़ पता लगाना है कि मुझे करेक्टिव वेव में एंट्री करना है लेकिन कहाँ पे एंट्री करना है, तो इसका सोल्यूशन आपको देने वाला है यहाँ पे ये जो एक टूल है, इसको हम लोग बोलेंगे फिब रिट्रेसमेंट या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये काम कैसे करता है पहले हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको दिखता है कि हर बार एक नया हाई लगता हुआ मार्केट चला जाता है, तो इसमें हमें क्या करना रहता है, जहाँ पे इसका बॉटम बना है, बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला पूरा एक इम्पल्सिव वेव है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ पर भी ये टॉप बना है वहाँ तक आप इसको ड्रेग करेंगे और वहाँ पर ले जा करके इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में जब मार्केट नीचे की तरफ में आया है तो ये क्या हो गया, ये आपका करेक्टिव फेज हो गया, फिर से आपका इम्पल्सिव वेव बनेगा, फिर से करेक्टिव, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अब हम लोग उसको लगाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपको अपना जो एंट्री है उसको बनाना है। तो अब जब मार्केट यहाँ से गया है तो इस पॉइंट से लेकर के ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ तक हम लोग इसको ड्रेग करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको शुरू कर देता हूँ और यहाँ तक इसको लेकर के जाता हूँ, ठीक है। सो अब देखो, अगर इसकी सेटिंग को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है
कुछ चीज़ें नज़र आएगी जिसमें कि आपको 0.5 यहाँ पे कुछ नंबर्स जो है ये आपको नज़र आएंगे। आपको इन सारे नंबर्स को अनटिक कर देना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 लेवल्स को सिलेक्ट किया हुआ है जिनको हम लोग गोल्डन नंबर भी बोल देते हैं या फिर गोल्डन लेवल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि मार्केट के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जब भी वो ब्रेक होते हैं तो कोई मोमेंटम वहाँ पे बनता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो 3 पॉइंट है सिर्फ उनको सिलेक्ट किए हैं, बाकी को अनटिक करके ओके कर दिया। ठीक है, सो इतना करने के बाद में आपका जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है यहाँ पे जो है, ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट पे अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी, ठीक है, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है इसके ऊपर में अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, जैसे कि मार्केट अपट्रेंड में जा रहा है और ये कोई लेवल बना हुआ है आपका फिबोनाची का, अगर मार्केट इसके ऊपर में सपोर्ट लेगा इट मीन्स कि आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू मार्केट करने वाला है। अच्छा, अगर ये ब्रेक कर देता है तो उस केस में आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं होने वाला है और कहीं ना कहीं अगर आप एंट्री बना रहे हो ऊपर की साइड में, मार्केट अप ट्रेंड में अगर आप सोच रहे हो जाने की, तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनाना है। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है उस कंडीशन में, ठीक है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो ये वाला इम्पल्सिव वेव बन गया, ठीक है, और फिर से जब ये वाला जो वेव बनेगा जो कि मार्केट में करेक्शन होता है इसको हम लोग करेक्टिव फेज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो करेक्टिव वेव बनता है इसमें आपको टॉप पे एंट्री करना होता है। तो जब आप एंट्री के लिए फिबोनाची को अप्लाई करोगे तो आपको कैसे देखना है, आपको हमेशा टॉप से, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ में आना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ये आपका करेक्टिव फेज बना, फिर से मार्केट ने इम्पल्सिव बनाया, फिर से करेक्टिव, फिर से इम्पल्सिव। तो इसको अगर हमें ट्रेड करना है तो किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ फिबोनाची का यूज़ करूँगा। यहाँ से मार्केट ने शुरू किया, नीचे की तरफ में आया और मैं इसको थोड़ा सा जो है एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ये जो लेवल है 0.5 का जो लेवल है ना, इस 0.5 के लेवल से एग्जैक्ट इसी लेवल से रिजेक्शन ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि देखो मार्केट के इंपॉर्टेंट जो लेवल होते हैं उनको आप ये जो टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिब रिट्रेसमेंट इसकी मदद से निकाल सकते हो और इसका यूज़ करके आप बड़े ही आसान तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अब इसके अंदर में यहाँ पे 3 तरीके के लेवल आपको दिखाए जाते हैं, ये होते हैं जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं 0.3 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0.3 का लेवल है इसका क्या मतलब है, 0.3 का मतलब ये हो गया कि मार्केट में अगर 0.3 के लेवल पे कोई सपोर्ट या रिजेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपका जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या तो उसमें सेलिंग हो रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर 0.5 पे सपोर्ट लेता है या फिर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में मार्केट आपका एवरेज है, मतलब कि ठीक ठाक आपका जो सेलिंग है बाइंग है वो होने वाला है। अगर 0.6 के आसपास में कहीं जो है सपोर्ट या रिजेक्शन दिखाता है तो उस कंडीशन में भी आप जो है आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन ये जो 0.6 है इसको भी मार्केट ऊपर की तरफ में ब्रेक करके निकल जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड फिर नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ जो है काम आने वाली है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर फिब रिट्रेसमेंट। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वेव जो होती है उनको पकड़ करके आप आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो और बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। इसमें आपको कोई जो है प्राइजेक्शन की जो है चीज़ें नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ ये जो टूल है यही आपको मार्केट का जो ट्रेंड है वो बड़े आसान तरीके से बता सकता है, ठीक है। सो आई होप कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी और ये जो चीज़ है आपको बहुत ही बढ़िया काम आने वाली है, ठीक है। सो इसका यूज़ कीजिए और बैक टेस्ट करके देख लीजिए किस तरीके से आपको जो है ये रिजल्ट दिलाती है। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में जिसमें हम लोग नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं।